तो सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन है ये है एलएनटी में हमें जॉब कैसे मिलनी है। बहुत बंदों की, बहुत मेरे दोस्तों की ऐसी क्वेरी थी कि हमें जॉब नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं पूरा डिटेल्ड वाइज आपके लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों क्या है कि आज की जो वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कंपनी है जिसने हर क्षेत्र में महारत हासिल की है। तो दोस्तों वो है एलएनटी, जी हाँ, लार्सन एंड टोब्रो। तो दोस्तों, जो कि इंडिया की सबसे बेस्ट प्राइवेट कंपनी में से एक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे और छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एलएनटी के बारे में। तो दोस्तों, एलएनटी एक बहुत ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय दोस्तों, इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और ये वर्ल्ड के अनेक देशों में, मतलब ऑल वर्ल्ड में ये वर्क करती है। बट कंपनी के कुल चार मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हैं, मतलब चार जो हैं बहुत जो जिसमें जो सबसे ज्यादा वर्क करती है। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंजीनियरिंग, थर्ड है कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ है प्रोडक्शन। दोस्तों जो एलएनटी की है 25 देशों में 40 से 60 से अधिक यूनिट है, मतलब 40 से 60 मतलब 50 से 60 तक यूनिट्स हैं इनकी। इसकी दोस्तों स्थापना जो हुई थी, मतलब ये 1938 में हुई थी एस्टेब्लिशमेंट इसकी, और इसका जो प्रोडक्ट होते हैं वो पावर जनरेशन में रिफाइनरी, सीमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन, आईटी सर्विस, डिफेंस। ये मान लीजिए कि इंडिया में या ग्लोबलाइड में ऐसा कोई काम नहीं है जो एलएनटी प्राइवेट सेक्टर जैसे है कि उसमें वर्क नहीं करती। ये कंपनी अपना अन्य बहुत सारा कारोबार करती है अलग अलग में। इस कंपनी में 44,000 से, मतलब अभी ये 44,000 जो ये दोस्तों डाटा है लास्ट ईयर का है, अभी 50,000 प्लस है एलएनटी में। दोस्तों अगर इसके हिस्ट्री पर नजर डालें तो दोस्तों इसके दो मालिक थे जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी, एक हेरेंड हॉल्क लार्सन एंड सोनिक क्रिस्टन टर्बो। तो दोस्तों इनके दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसी के बिहाफ पे शुरुआती दौर में इस कंपनी में डेनमार्क के दुग्ध उपकरणों के निर्माताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। परंतु दोस्तों इसके 1939 की वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, दोस्तों इसका जो है एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध, मतलब एम्बार्गो लगा दिया था। युद्ध के समय जहाजों की मरम्मत की मांग एलएनटी को एक नया अवसर दिया, मतलब जब युद्ध हुआ था तो दोस्तों उस टाइम पे एलएनटी को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। ये नाम इसका फॉरेन वाला है लेकिन ये टोटली इंडियन कंपनी है, और इसका जो कंपनी का नाम भी रखा गया था वो दोनों के नाम को मर्ज करके लार्सन एंड टर्बो रखा गया था, दोनों ओनर के नाम को मर्ज करके। तो दोस्तों दोनों ही मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो दोस्तों इस कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी, मतलब आपको जॉब कैसे मिलेगी, वो मेन है। आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी किस डिविजन में जॉब मिलेगी और आपको जॉब पता कैसे करनी है, वो भी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो दोस्तों उसी के लिए आइए शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों आपने देखा ही होगा इसमें क्वालिफिकेशन आपके बारे में जानते ही हैं, तो इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, आपके पास आईटीआई मिनिमम होना चाहिए, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एमटेक, बीए, बीएससी, एनी ग्रेजुएशन डिग्री वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों इसमें वैकेंसी कैसे मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, वो दो प्रोसेस से रहता है। एक होता है कैंपस के थ्रू, एक होता है विदाउट कैंपस। तो जो कैंपस के थ्रू होता है वो आपके कॉलेजेस में मिलता है, और जो विदाउट कैंपस होता है वो आपको जॉब की नोटिफिकेशन वेबसाइट से मिलती है। तो दोस्तों ये जो है आईटी, ये जो मैक्सिमम क्या होता है कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले ही इनके अंदर ज्यादातर जाते हैं। ट्रेड और ब्रांच कौन सी रहती है इसमें, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो आईटीआई की ट्रेड ब्रांच रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है जो मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया। आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो 5 सेकंड पीछे जाइएगा, फिर आप स्किप करके फिर आके देख लीजिएगा। जो मेन ब्रांच बीटेक की रहती है डिप्लोमा वालों के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और ऑल ब्रांचेज जो भी है इसकी इंजीनियरिंग की। अकाउंटिंग वालों में दोस्तों बीबीए, बीएमएस और मैनेजमेंट की डिग्री है बीकॉम वालों के लिए, और दोस्तों अलग से जो साइट पे ऑफिस में वर्क करते हैं हेल्प डेस्क के लिए उनकी रहती है। इसमें सैलरी जो होती है दोस्तों आईटीआई वालों के लिए स्टार्टिंग सैलरी होती है 19,000, डिप्लोमा वालों के लिए 22,000 रुपये, बीई बीटेक वालों के लिए 32,000 रुपये प्लस अलाउंसेज और फूड। अगर आप आउट ऑफ सिटी वर्क कर रहे हो, मतलब आपका घर से अलग है, तो वो अलग होगा, आपको फूड भी और आपको अलाउंसेज घर भी मिलता है और प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेज साइट अलाउंसेज भी आपको मिलते हैं, और वही परमानेंट जॉब रहती है।
दोस्तों जो आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के जो जो जिनको कैंपस से जॉब मिलती है उनको 2 साल तक 1 या 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उन्हें परमानेंट हो जाता है और ट्रेनिंग पे भी उन्हें स्टाइफंड मिलता है जैसे कि आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलता है, और उस टाइम पे भी आपको रूम और घर दिया जाता है। दोस्तों एक्सपीरियंस तो इसमें डिप्लोमा और आईटीआई वालों को फ्रेशर के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। दोस्तों डिप्लोमा जितने वाले भी होते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5+ का तो आप इसमें 5 से कम वालों को फ्रेशर ही माना जाता है। दोस्तों विदाउट कैंपस जो भर्ती होती है वो 2 से 6 साल तक के लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए होती है, मतलब जिसने बीटेक या एमटेक किया हो। दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए अगर आप रिटन टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये मान लीजिए कि अगर इस पे एग्जाम होता है तो आपको इसमें रिटन टेस्ट भी समटाइम्स ये मांगते हैं अगर आप इनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है, वैसे तो इंटरव्यू ही होता है। दोस्तों इसमें एज क्राइटेरिया भी पूरा का पूरा है, एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 28 साल मांगा जाता है, और इसमें क्या छूट वगैरह कुछ नहीं होती है, इसमें कोई पर्टिकुलरली गवर्नमेंट तो है नहीं, तो इसमें एज का भी लिमिट्स कब कहीं कहीं देखने को मिलती है, अगर आप कैपेबल हो तो आपको एज को नेगोशिएट कर दिया जाता है। दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन इसके लिए एग्जाम पैटर्न के लिए होता है। दोस्तों अगर आप रिटन टेस्ट देके जाते हैं और इसमें परमानेंट आप जॉब के लिए कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होती है जो परमानेंट के लिए होती है उनके लिए एग्जाम पैटर्न होता है, उनके लिए रीजनिंग एबिलिटी 60 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन होते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हमें उनके डाटा से ही मिला है। रिटन टेस्ट दोस्तों ये जो है रिटन टेस्ट दोनों तरीके से होता है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, और जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों परसेंटेज 10th पास इसमें 50% चाहिए होती है, और 12th और जो आईटीआई और एनी ग्रेजुएट मतलब आप बीटेक और बी करके आए हैं तो आपको 60% चाहिए होती है। तो दोस्तों इसमें भी एज का भी क्राइटेरिया बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने जो परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है, तो अब हम जान लेते हैं कि इसकी वेबसाइट पे हमें जॉब मिलेगी कैसे, मतलब हमें कहाँ सर्च करनी होगी, उसके लिए कैसे इन्फॉर्मेशन हमें जुटानी होगी, कैसे नहीं। तो देखिए एक चीज़ है कि दोस्तों जो कैंपस प्लेसमेंट होती है वो आपके कॉलेजेस से होती है डायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था वो आपको डायरेक्ट कॉलेजेस से होती है कैंपस प्लेसमेंट। उसके लिए एलएनटी में अगर आपको कोई बोले कि आपकी फ्रेशर्स की जॉब मिल रही है तो वो आपको फ्रॉड बना रहा है। फ्रेशर्स को कभी भी एलएनटी या तो कैंपस प्लेसमेंट लेता है, बाहर से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत कम करता है वो। दोस्तों ये कंपनी अप्रेंटिस भी कराती है, मतलब देखिए अप्रेंटिसशिप होती है कि एक स्टाइफंड भी दिया जाता है उस टाइम पे 5 से 10 हज़ार रुपये। अगर कोई भी आपके मन में डाउट भी है तो जैसे परमानेंट ये जो है दोस्तों 2 साल की ट्रेनिंग होती है उसके बाद परमानेंट कर देती है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट हैं इनके पास बंदों की कमी नहीं होती है। दोस्तों अगर आप लेकिन इनके दोस्तों इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी आपको फॉलो करने होते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पे सबसे पहले आपको सबसे एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा ना, जो आप एलएनटी वगैरह के बारे में सर्च किया कीजिए, दोस्तों ये जो आप सर्च किया कीजिए डेस्कटॉप मोड में जाके सर्च किया कीजिए, डेस्कटॉप मोड में ही आपको सिस्टम पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हैं जो मोबाइल मोड पे नहीं चलती है। मैं दोस्तों क्या होता है कि मैं इसमें नॉर्मली आपको मैं टैब में वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, उसका रीज़न ये है कि मेरे को एडिटिंग करने में ईजी होता है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे आप देख ही रहे होंगे कि एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो मैंने सर्च किया है, तो दोस्तों इसकी ग्रुप ऑफ वेबसाइट राइट साइड में आपको ग्रुप वेबसाइट्स दिखेगा, तो इसके अंदर आपको सारी दिख जाएंगी, और इसके अंदर आपको एलएनटी इंफोटेक, एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, एलएनटी म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा, जो जो एलएनटी के अंदर आती है, नाभा पावर भी आती है, मतलब अलग अलग मैंडेटरी भी आती है, कुवैत कंस्ट्रक्शन, ऑल में सब में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी एक ही खोल के मैं आपके सामने दिखा दूँ कोई भी, तो उसी के बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे करना पड़ेगा। अगर मैं एलएनटी कंस्ट्रक्शन ही आपके सामने ओपन कर देता हूँ एलएनटी कंस्ट्रक्शन, तो इसके राइट साइड में एक आपको दोस्तों कैरियर का पोर्टल मिलेगा। तो जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कि देखिए आप राइट साइड में आप जाएंगे सबसे कोने में कैरियर का पोर्टल मिलेगा। ये हर एक वेबसाइट के लिए है, पर्टिकुलर हर एक एलएनटी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, एलएनटी की ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनकी हर एक वेबसाइट के लिए। जब आप देखेंगे कि ये लेफ्ट में जब जहाँ जा रहा है तो करंट अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं इसमें आपको एज ऑफ नाउ की मतलब आज की वैकेंसी खुल के आ जाएंगी कि आज कौन कौन सी वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें जो आपको यकीन मानिए कि आपकी जो सैलरी, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे भी लिखा है, क्वेश्चन मार्क किया है कि 50,000 रहती है, हाउ टू गेट अ जॉब, तो दोस्तों वो सच है कि इसमें 50,000 तक ही आपके CTC पहुंचती है। CTC मतलब कंपनी टू कॉस्ट। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये मेरा बनाने का एक ही मकसद था कि मेरे भाइयों को बहुत ऐसा बोल रहे हैं, वो मेरे को ऑफर लेटर भेजते हैं कि LNT ने हमें ऑफर लेटर भेजा,
दोस्तों कोई भी एलएनटी आपको या तो ऑफ कैंपस कभी भी प्लग नहीं लेती है, तो आपके पास कोई भी फेक लेटर भेज रहा है तो आप उसको डिनाई कीजिए, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि कोई भी एलएनटी वगैरह पैसों की डिमांड नहीं करती है। तो उसी के बिहाफ पे दोस्तों मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती रहती हैं, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे एक बार सर्च करते रहिए या फिर एक ट्रस्टी यूट्यूब चैनल या किसी भी आप ट्रस्ट पे बने रहिए। अगर मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आपके लिए, आपका एक बहुत छोटा सा हमारे लिए अच्छा मोटिवेट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आगे भी ऐसी वीडियो चाहिएगा, तो मैं कभी कभी आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आपको चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।